Hi friends, how are you? I hope that you all have been taking a very, very good care about your health as well as your studies. आज के वीडियो बड़ा ही खास और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू नो अबाउट आरके नारायण द फेमस नॉवेलिस्ट ग्रेट स्टोरी राइटर. तो आरके नारायण के बारे में जानेंगे इस वीडियो में जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा. आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें. अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. फ्रेंड्स, जहाँ तक नॉवेल्स की बात है, ऐसा कहा जाता है जो इंग्लिश राइटर्स हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया ड्रामास की फील्ड में, लाइक शेक्सपियर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, हार्डी एटसेट्रा एटसेट्रा. बट इंडियन राइटर्स हैव क्रिएटेड अ न्यू टाइप ऑफ राइटिंग विच इज राइटिंग ऑफ नॉवेल्स. एंड आर के नारायण, मुल्क राजानंद, विक्रम सेठ एंड सो मैनी राइटर्स हु हैव मेड दिस आर्ट ग्लोबली पॉपुलर. तो ऐसे थे आर के नारायण जिन्होंने नॉवल्स और शॉर्ट स्टोरीज की राइटिंग के फील्ड में बहुत बड़ा नाम हासिल किया. फ्रेंड्स, जहाँ तक नॉवल्स की बात है, आर के नारायण ने 14 नॉवल्स लिखे. उनके मशहूर नॉवल्स में स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, मालगुडी की कहानियाँ, द गाइड एंड एस्ट्रोलॉजर्स डेज, अ टाइगर ऑफ मालगुडी, ऐसे बहुत से मशहूर नॉवल्स उन्होंने लिखे और साथ ही साथ लगभग 200 से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज भी उन्होंने लिखी. फ्रेंड्स, आर के नारायण के लिटरेचर में, फिर चाहे उनके नॉवेल्स हों या फिर उनकी लिखी मनोरंजक कहानियाँ, हम कुछ एलिमेंट्स परमानेंट देखते हैं जो उनकी थीम को बहुत खूबसूरत और इंटरेस्टिंग बनाते हैं. ये एलिमेंट्स हैं फियर, डर, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, पावरलेसनेस मीन्स शक्तिहीन हो जाना, कमज़ोर पड़ जाना, कंट्रोल, नियंत्रण, इंडिपेंडेंस, आज़ादी और ब्रेवरी, बहादुरी. ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जो आर के नारायण के लिटरेचर को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं और साथ ही साथ बड़ा ही रोमांचकारी भी बनाते हैं. एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट उनके लिटरेचर का मैं आपसे शेयर ज़रूर करना चाहूँगा, ये है उनकी फ़िलॉसफ़ी. फ्रेंड्स, उनकी कहानियों में अक्सर देखा गया है कि कोई भी कैरेक्टर जो उस कहानी का मुख्य पात्र होता है, वो अपने जीवन में कुछ ऐसा ज़रूर करता है जो सोसाइटी से उसे दूर कर देता है. लेकिन कुछ समय के बाद आर के नारायण की फ़िलॉसफी में एक पॉजिटिविटी है, वो ये कि उसी इंसान को यही सोसाइटी, यही समाज दोबारा अपनाता है और इसके लिए वो उसे मौका देता है. सो वी कैन से दैट आर के नारायण विद हिज फिलॉसफी अबाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ सोसाइटी आफ्टर डूइंग एनीथिंग, कुछ भी करने के बाद वो आपको अपनाने का एक जो मौका देती है, इस सोसाइटी के बारे में उनका लिटरेचर बहुत ही क्लियर है और एक तरह से एक पॉजिटिव मैसेज देता है. जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल देंगे एन एस्ट्रोलॉजर्स डे के बारे में, कि एक आदमी अपने दोस्त को जान से मारने की कोशिश करता है लेकिन उसके बाद वो वहाँ से भाग आता है और एक नई जगह वहाँ से बहुत दूर जाकर एक नया काम शुरू करता है ज्योतिष के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और धीरे धीरे वो इसी समाज का एक बार फिर जिम्मेदार और महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाता है. सो दिस इज द फिलॉसफी ऑफ आर के नारायण्स राइटिंग. तो फ्रेंड, अपनी इस फिलॉसफी की वजह से, उनके कैरेक्टराइजेशन की वजह से, उनके प्लॉट, थीम या कहानी कहने का जो एक ढंग है जिसमें रोचकता है,
इसमें एक मधुरता है, इसमें एक देसीपन है, इसमें एक सच्चाई है. सो आर के नारायण हैज ट्राइड टू टेल अस स्टोरीज अबाउट द ग्रैंड रियलिटी एंड दिस इज द यूएसपी ऑफ आर के नारायण राइट. फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें संजीव गोस्वामी. नमस्कार.